हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डालिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब पदार्थों का वर्गीकरण किसके चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, इसका हिंदी क्या होगा? चुंबकीय गुण पर गुण के आधार पर, गुण के आधार पर किसका वर्गीकरण? पदार्थों का, पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है रे? वर्गीकरण। देखिए चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, जल्दी से लिखो। देखो चुंबकीय गुण पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। हाँ, तीन भागों में बांटा गया, डार, पारा, फेरो। चलिए मतलब इसमें तीन भागों में बांटा गया, डार, मैग्नेटिक सबस्टांस, दूसरा होता है फेरो। डार फेरो और तीसरा होता है पारा मैग्नेटिक। क्या होता है? पारा, पारा मैग्नेटिक सबस्टांस। आपको क्यूरी पॉइंट कल बताए थे ना, क्यूरी पॉइंट में क्या बताए थे कि कोई ऐसा फेरो चुंबक, फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस जो किसमें बदल जाए? पारा मैग्नेटिक सबस्टांस में बदल जाए तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरी पॉइंट या फिर क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। यही ना बोले थे? जल्दी से दीजिए हेडिंग, जल्दी से। और तीनों को ऐसे करके अलग अलग टाइप से लिख लीजिए। नहीं कर, ऐसे तीनों का गुण भी हो जाएगा और तीनों का सब कुछ उसी में हो जाएगा। हम कर देंगे, एक ही में अंतर बोलो या फिर गुण बोलो, जो बोलो एक ही में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसको बीबीआई लगा लीजिएगा, डाय पारा फेरो। इसको तीन नंबर में लिख लीजिएगा, ऐसे करके पारा को ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ा है, ठीक है। पहले कौन सा लिखे? पहले कौन सा? पहले ऐसे ऐसे दिए ना, ऐसे ऐसे दिए ना। इसमें डाई लिखिए, इसमें पारा, इसमें बनाइए। और तीन गुना टेगा, दो बटेगा तो है तीन, बोलो दो कैसे क्या करेगा? नहीं नहीं उसमें बहुत कुछ लिखना है, एक ही चीज में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका अनुचुंबकीय होता है ना, इसको लोह चुंबकीय होता है, ठीक है। तीन गो होता है नाम, इसका क्या होता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको लोह चुंबकीय पदार्थ और इसको अणु चुंबकीय पदार्थ। लिखे जल्दी, लिखो दो को होता है लोह में, लोह का। दिया रे जल्दी दो, तीनों लाइन दे दिया ना। चलिए अब एक नंबर में लिखिएगा, तीनों में
मतलब डाय में लिखिएगा जो आंशिक रूप से क्या होता है प्रतिकर्षित होता है जो आंशिक रूप से हाँ पहले लिखिए उसमें वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में डाय में वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में पहले लिखा जो आंशिक रूप से हम समझाने के जो आंशिक रूप से इसमें प्रतिकर्षित होता है उसको डाय कहते हैं लेकिन इस पर डेफिनेशन के तौर पे अच्छे से लिखेगा वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आंशिक रूप से प्रतिकर्षित होते हैं आंशिक रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं एग्जांपल में लिख लीजिए एंटीमनी एग्जाम्पल में लिखिए एंटीमनी डाय में लिखे है ना एंटीमनी हाइड्रोजन वेट्स डब्ल्यू एच ए टी ई एस चलिए इसमें लिखिए अब डब्ल्यू एच ए टी ई एस ई टी सी डाल दो अब लिखिए पारा में पारा में लिखिए वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं इसमें आंशिक रूप से क्या होता था प्रतिकर्षित इसमें क्या होगा आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं मतलब ये कौन सा कहलाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं इसको वीवीआई में डाल देना ठीक है एग्जांपल में लिख लीजिए एल्युमिनियम एग्जांपल में लिखिए एल्युमिनियम प्लेटिनम अल्काइल मेटल जितना भी अल्काइल मेटल है एल्युमिनियम प्लेटिनम प्लेटिनम मतलब क्या हो गया पीटी अल्काइल मेटल लिखिए ए एल के वाई एल अल्काइल मेटल और ओ टू मतलब ऑक्सीजन ETC. अब तीसरा में लिखिए यह देखिए किसी यह पदार्थ जो होगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम आकर्षित होगा सबसे अधिक आकर्षित होगा पूर्ण रूप से लिख लीजिए वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में काफी अधिक आकर्षित होते हैं काफी अधिक आकर्षित होते हैं फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं मतलब वही हो गया लोहा सॉरी लोह चुंबकीय पदार्थ एग्जांपल में लिख लीजिए निकेल कॉपर आयरन ईटीसी जो लिखना है लिखिए निकेल कॉपर आयरन ईटीसी कोबाल्ट भी होगा ठीक है समझे ना तो ये इसका डेफिनेशन हो गया लोह चुंबकीय अनु चुंबकीय और प्रति चुंबकीय का ठीक है डाय मतलब क्या हो गया प्रति चुंबकीय पारा मतलब क्या हो गया अनु चुंबकीय और फेरो मतलब क्या हो गया लोह चुंबकीय तीन प्रकार का है तो अब देखिए अब इसमें दूसरा लिखिए एग्जाम्पल भी समझ गया अब दूसरा लिखिए चलिए लिखिए अब डाय से लिखिए डाय से शुरू कीजिए जल्दी लिखेंगे सेकंड नंबर दीजिए ये तो एक नंबर था ना इसको हम डेफिनेशन के तौर पे भी हम लोग कर सकते हैं यूज लिखिए दूसरा इसे दूसरा डाय में इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर गुण लिखेंगे दो नंबर देखिए दो ले इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में घूम जाती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में घूम जाती है लिखिए इसमें लिखिए इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में घूम जाती है। समांतर दिशा में घूम जाती है। तीसरा में लिखिए लिखिए इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या रखे जाने पर जो लिखो इसमें लिखिए फेरों में इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। चलिए अब इसका तीसरा गुण लिखिए। एग्जांपल है सर, सब गुण है। एग्जांपल में एग्जांपल निकल गया। इसमें क्या एग्जांपल होगा? लिखा है एग्जांपल। इसके बाद क्या करता है? तीसरा लिखो। इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता ऋणात्मक होती है। डाय में लिखिए इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता ऋणात्मक होती है। इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता ऋणात्मक होती है। नहीं पढ़ाए थे रे मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी एक्स बराबर आई बाय एच। यह विमाहीन राशि है। ऋणात्मक होती है। लिखे चलिए दूसरा में लिखिए पारा में इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता जीरो से बड़ा और एक से छोटा होता है। मतलब इसकी चुंबकीय क्षमता चुंबकीय संवेदनशीलता क्या होगा? जीरो से बड़ा और एक से छोटा होगा। एक्सेल से उसको सब्सिट्यूट करते हैं। बड़ा और एक से छोटा होता है। क्या ये हम क्या कर दिए? इसको एक से बड़ा कर दिए। ऐसे होगा रे होगा ना? ऐसे बड़ा और एक से छोटा। जिधर मुंह बड़ा होता है उधर बड़ा वाला होता है रे। चलो इसमें लिखिए इसमें या इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता एक से बड़ा होता है। मतलब इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता क्या होता है? एक से बड़ा होता है। ये लिखिए इसका इसकी चुंबकशीलता एक से कम होती है। इसमें सर गाय में ले इसकी चुंबकशीलता एक से कम होती है। मतलब म्यू का जो वैल्यू होगा वह एक से कम होगा। इसका इसमें जानते हैं म्यू का वैल्यू एक से बड़ा होगा और इसमें म्यू का वैल्यू एक से काफी बड़ा होगा। पारा में एक से बड़ा होगा और यहाँ एक से बहुत बड़ा होगा। मतलब काफी बड़ा होगा। चार से काफी बड़ा यानी दस से ज्यादा। अब आप लोग को लिखने आना चाहिए। लिख लिया सर जी। मतलब क्या लिखा? इसकी चुंबकशीलता एक से छोटा होता है। इसकी चुंबकशीलता एक से बड़ा होता है। इसकी चुंबकशीलता एक से बहुत बड़ा होता है। ऐसे है तो हम सिंबॉलिक टर्म में लिख दिए लेकिन आप लोगों को लैंग्वेज के टर्म में भी लिख लेना है। लिखा रे राम कुमार इसमें बहुत बड़ा होता है। एक से बहुत बड़ा होता है। इसमें एक से बड़ा होता है। इसमें एक से छोटा होता है। आसान है चुंबकशीलता। अब पांचवा लिखिए चलिए यह चौथा में लिख चौथा और पांचवा होगा। पांचवा लिखिए यह सैशील्य का नियम का पालन नहीं होता है। मैं नहीं करता वाह अभी चौथ पढ़ लिया सैशील्य हिस्टेरिस यह हिस्टेरिस प्रदर्शित नहीं करता है। प्रदर्शित नहीं करता है। नियम नियम मत पालन नहीं करता। नियम मत प्रदर्शित नहीं करता। दिखाता नहीं।
वो प्रदर्शित नहीं करता है, यह सैशील्य के को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए यह भी नहीं करता, पारा पारा भी नहीं करता, लिखिए नहीं करता, यह सैशील्य को प्रदर्शित नहीं करता, यो नहीं करता, दोनों में करता, पारा में तीनों नहीं करता, ना इसमें भी ही करता, पैरों करता, या करता, यह भी सैशील्य, हाँ, पारा में यह भी सैशील्य का नियम सैशील्य प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन पैरों जो है पैरों करता है, लिख लीजिए यह सैशील्य प्रदर्शित करता है, चलिए छठा लिखिए, इसमें छठा लिखिए, तीन क्वेश्चन एक साथ हो रहा है तो समझिए कि लिखो, बस लास्ट है, छठा हो गया, लास्ट हो गया, इसका क्यूरी जब क्यूरीज लॉ का पालन नहीं करता, छठा में क्यूरीज नियम बताए चंद्रे, मतलब यह किसके समानुपाती होता है, आई चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है और परम ताप के बीच क्रमानुपाती होता है, वन बटन टी और आई समानुपाती एच, तो वहां पर निकाले थे x इज इक्वल टू सी बाय टी, जहां c क्या था, क्यूरी कांस्टेंट था, मुंह चूर देंगे पकड़ के, या क्यूरी लॉ का पालन नहीं करता है, इसमें लिखिए यह पालन करता है, पारा में ना, पारा में लिखिए यह पालन करता है, लेकिन देखिए पारा में जो होता है यह क्यूरी के नियम का पालन करता है, लेकिन इसका क्यूरी पॉइंट निश्चित नहीं होता, मतलब क्यूरी पॉइंट बताए थे जिस पर पारा किसमें बदल जाए, फेरो में बदल जाए, तो यह कोई निश्चित इसमें नहीं होता, लेकिन हाँ फेरो में निश्चित होता है, पालन भी करता और इसका निश्चित निश्चित भी होता, आज यह चैप्टर आप लोगों का द एंड, ठीक है, आज आप लोगों का यह चैप्टर द एंड हो गया, कौन सा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म खत्म, अब आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चलेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझ लीजिए एसी डीसी से एसी चलेगा, ट्रांसफार्मर चलेगा, ट्रांसफार्मर वगैरह सब चलेगा, अब तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।